यूक्रेन युद्ध के दो साल से भी ज्यादा खिंचने से जहां दोनों देशों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं इस युद्ध से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। जहां शक्तिशाली रूस को पश्चिमी देशों के कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, तो वहीं यूक्रेन को इस युद्ध में सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी है। सैन्य मोर्चे से लेकर अर्थतंत्र तक सब कुछ चरमरा गया है। पश्चिमी देशों की मदद के चलते ही यूक्रेन अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा पा रहा है। रूसी हमलों का जवाब देने के लिए भी अब यूक्रेन के पास अपने हथियार खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन को इस युद्ध में जबरदस्त मार झेलनी पड़ी है। रूस के साथ जारी संघर्ष से त्रस्त हो चुके यूक्रेन के राष्ट्रपति के सुर भी बदले बदले से दिख रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन चाहेगा कि रूस के साथ लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो ताकि जानमाल के नुकसान को रोका जा सके। साल 2024 के आखिर तक युद्ध के हॉट स्टेज को खत्म करने की उम्मीद है। कोई भी संघर्ष को अगले 10 साल या उससे ज्यादा समय तक जारी रखना नहीं चाहता है। इस समय पर आया जेलेंस्की का ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि उन्हें लड़ाई में अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यूक्रेन के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका से भविष्य में समर्थन भी बंद होने की आशंका है, जो युद्ध में फंसे यूक्रेनियों के लिए किसी दोहरी मार से कम नहीं होगा। मई में यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों के आने से पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों की बढ़त काफी कम हो गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से रुकी नहीं है। रूस अभी भी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि हर चीज यूक्रेन पर निर्भर नहीं करती है। हम जानते हैं कि युद्ध का सही अंत क्या होगा, लेकिन ये सिर्फ यूक्रेन पर निर्भर नहीं है। ये न सिर्फ हमारे लोगों और हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, बल्कि आर्थिक मदद पर, हथियारों पर, राजनीतिक समर्थन पर, यूरोपीय संघ में, नेटो में और दुनिया की एकता पर निर्भर करता है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की संभावनाओं के चलते भी जेलेंस्की युद्ध खत्म करने के पक्ष में दिखे हैं। ट्रंप कई मौकों पर ये कहते हुए दिखे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो जल्द इस युद्ध को रोक दिया जाएगा। बताया जाता है कि हाल में ट्रंप और जेलेंस्की की फोन पर बात भी हुई है, जिसके बाद से जेलेंस्की का रुख काफी हद तक बदला सा दिख रहा है। वहीं रूस के साथ जंग में हार से हताश जेलेंस्की को पोप फ्रांसिस ने सफेद झंडे का साहस दिखाने और रूस के साथ बातचीत करने की अपील की थी। इस पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने खरा सा जवाब देते हुए कहा था कि हमारा झंडा पीला और नीला है, हम कभी भी कोई दूसरा झंडा नहीं उठाएंगे। उनके इस बयान की काफी निंदा भी हुई थी। हालांकि अब यूक्रेनी विदेश मंत्री भी युद्ध विराम की बात कहने लगे हैं। हाल में दिमित्री कुलेबा ने चीनी दूत से कहा कि यूक्रेन अपने लंबे समय से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए रूस के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का चीनी दौरा जेलेंस्की के उस बयान के बाद हुआ है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं। खास बात है कि जेलेंस्की अपने पुराने पीस फॉर्मूले पर जोर देने पर तुले हैं, जिसके मुताबिक रूस यूक्रेन के जितने भी इलाकों पर अपना दावा करता है सभी इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुला ले। हालांकि रूस ने जेलेंस्की के इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया है।